नमस्कार दोस्तों, बहुत ही गंभीर मामला है और बहुत कह सकते हैं कि एक बुरी खबर है। सीधे सीधे तीनों सेनाओं से जुड़ा हुआ है। 30 लाख पूर्व सैनिकों के मान सम्मान आत्म सम्मान से जुड़ा हुआ है। आप दूर दूर तक कल्पना भी नहीं कर सकते और ना ही देश आजाद होने के बाद में ऐसा कभी देश के किसी कोने में ऐसा वाक्य हुआ होगा। एक एयर वेटरन को राज्यपाल हाउस में राज्यपाल के बेटे के द्वारा उस एयर वेटरन पे हमला किया जाता है और उसको बंधक बना के पीटा जाता है। उसका पैर फ्रैक्चर है, आंख पर गंभीर चोट है और अभी तक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। और ये बात लोकल मीडिया में है पर नेशनल मीडिया जो जिसको हम जानते हैं गोदी मीडिया, उनके मुंह में दही जम चुका है। वो जो उद्योगपतियों की जो शादी है उनको तो 6-6 महीने से कवर करेंगे, पर इतना एक गंभीर मामला जिसने अपनी जिंदगी का एक पड़ाव देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए निकाल दिया, जिसने अपना घर परिवार अपने बच्चे त्याग के जो बॉर्डरों के ऊपर गोलियों के बीच में खड़ा रहा, उसका ये इनाम। मैंने तो जब ये वीडियो देखा है मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा हो सकता है। बात करते हैं आगे, पहले ये वीडियो देखो आप। मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल ओडिशा वेटरन सोल्जर एसोसिएशन। ये आज हम लोग सीएम रेसिडेंस में आए थे सीएम को एक ज्ञापन देने के लिए कि हमारा जो एयर वेटरन वैकुंठ प्रधान, उनको 7 तारीख रात को पूरी राजभवन में उनको मरणातक आक्रमण किया गया, जिसमें उनका एक पैर अभी भी जख्मी है, उनका आँख में सूजन है। जो सूचना के मुताबिक ये कोई वीआईपी लग्जरी कार के लिए, जो उनका बेटा है, गवर्नर का बेटा है ललित कुमार, उन्होंने अटैक किया था और ये रात को करीब 12 बजे इनको अटैक किया गया। वहाँ से वो भाग के आगे पहले छुप गए, जो राष्ट्रपति के कारकेड के जो लोग थे सिक्योरिटी गार्ड उनके पास छुप गए थे, लेकिन जो झारखंड के पीएसओ थे उन लोग उनको ढूंढ के लिया और खींच के हाथ पकड़ के 4 नंबर सूट पे लिया। वहाँ पे उनको 12 बजे से लेके 2 बजे तक 2 घंटा तक पिटाई किया, जिसमें अभी भी हम लोग कल गए थे उनके घर में, उनके मिसेस को मिले और उनको मिले, जैसे पता चला कि अभी भी वो ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य विषय यह है कि एक एयर वेटरन को जो देश के लिए मरता है, देश की रक्षा के लिए अपना जिंदगी बर्बाद कर देता है, उसको इसी टाइप का मरणातक आक्रमण करना सही है क्या? ये हमारा जो एक्सर्विसमैन एसोसिएशन की तरफ से पूरे देश के एक्सर्विसमैन इसको निंदा करते हैं और घृणा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो मर गया होता, आप लोगों ने देखे, ये हमारे ऑल इंडिया वेटरन सोल्जर एसोसिएशन उड़ीसा के जनरल सेक्रेटरी हैं और इन्होंने बताया कि 7 जुलाई को एयर वेटरन वैकुंठम प्रधान पूरी राजभवन में जब वो ड्यूटी पे थे उन पर हमला किया गया। उसको बहुत गंभीर चोटें आई, पैर में फ्रैक्चर है
आंख में सूजन है और यह हमला राज्यपाल के बेटे ने 12 बजे किया। वो उनसे जान बचा के वहीं पर छुप गया तो उसको फिर ढूंढ के फिर उसको पीटा गया। आज वो गंभीर हालात में है। आज उन्होंने माननीय उड़ीसा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। एक राज्यपाल हाउस में मैं सबसे पहले तो एयरफोर्स के जनरल साहब को कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के, क्योंकि उनके पास में पद और अधिकार है, कलम है, और इस मामले को बहुत ही गंभीर वो ले। और दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं भारत के महामहिम तीनों सेनाओं के सेनापति माननीय राष्ट्रपति साहब से, जो तीनों सेनाओं के सेनापति हैं, जो पूर्व सैनिकों के भी प्रधान हैं, उनके जवानों के ऊपर हमला किया गया है राज्यपाल भवन में और माननीय राज्यपाल के बेटे के द्वारा। और राज्यपाल माननीय राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है, जिनको माननीय राष्ट्रपति राज्य के अंदर नियुक्ति देते हैं, जो समय समय पर राज्य में हुई कोई भी घटना, कोई राजनीतिक, वो माननीय राष्ट्रपति को अवगत करवाते रहे। पर क्या आज माननीय राज्यपाल उड़ीसा के माननीय राष्ट्रपति को अवगत करवाएंगे कि उस राजभवन में क्या हुआ और राष्ट्रपति के सैनिक के साथ में? राज्यपाल माननीय राष्ट्रपति का रूप होता है, इसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो माननीय राष्ट्रपति कर सकते हैं। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री का भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। आज उड़ीसा में बीजेपी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, मैं गृह मंत्री माननीय अमित शाह, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, मैं इसको भी निवेदन करता हूं थोड़ा सा राजनीतिक से ऊपर उठकर जो कुछ हुआ है उड़ीसा में उसको गंभीरता से ले और उस पूर्व सैनिक को न्याय दें। ये सिर्फ उस पूर्व सैनिक को आप न्याय नहीं दे रहे, ये देश भर के सर्विस पर्सन और रिटायर्ड 50 लाख पूर्व सैनिकों को आप न्याय देने का काम करोगे और उम्मीद है कि आप इसको गंभीरता से लेंगे। जितने कड़े शब्दों में इस चीज की निंदा की जाए वो कम है कि आज से पहले कभी भी ऐसा वाक्य पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। और माननीय राज्यपाल को भी मैं कहना चाहता हूं कि उनको 2 कदम आगे आके खुद निर्देश जारी करने चाहिए कि उस जवान की FIR दर्ज हो, एयर वेटरन वेंकुंटम प्रधान की, पर अभी तक उसकी FIR भी दर्ज नहीं हुई है। दोस्तों, कोई न्याय नहीं देगा तो क्या आप भी न्याय नहीं दोगे? ये सोशल मीडिया भी है, नहीं पता होगा महामहिम तीनों सेनाओं के सेनापति को इस वाक्य के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय गृह मंत्री को,
माननीय रक्षा मंत्री को, हमारे तीनों सेनाओं के सेनापति को नहीं मालूम होगा तो कौन बताएगा? हम और आप मिलके बताएंगे, इस मीडिया के माध्यम से बताएंगे। जब हमारी आवाज राष्ट्रपति भवन तक जाएगी और इस शब्दों को जब आप आगे भेजोगे, तब मैं उड़ीसा के लाखों गौरव सैनिकों को विश्वास दिलाता हूं कि पूरे देश भर के पूर्व सैनिक आप लोगों के आत्मसम्मान और न्याय दिलाने के साथ में खड़े हैं। जब भी आप आवाज दोगे, पूरे देश के 30 लाख सैनिकों को, तो पूरे देश भर की पूर्व सैनिकों की संस्थाएं उड़ीसा में पहुंच जाएंगी और शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में, तब तक हम वहां से वापसी नहीं करेंगे, तब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।